So in this video we are going to do question number 1 of exercise 6.3 of NCERT class 7 chapter 6 triangles and its properties. So this is question number 1. Find the value of the unknown x in the following diagrams. ये जो हमें triangles दिए हुए हैं, हमें इसका जो ये x दिए हुए हैं इनको find out करना है. Interior angles हैं सब में, तो यहाँ पर भी हम एक property use करेंगे, angle sum property. Let's suppose this is a triangle. क्या होती है angle sum properties? हमें पता है इसके किसी भी triangle के तीन angles होते हैं. Let's suppose this is angle 1, angle 2, angle 3. तो angle sum property कहती है कि angle 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे अगर हमें एंगल 1 पता है, एंगल 3 पता है, लेट्स सपोज हमें ये वाला एंगल नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है ना कि ये तीनों 180 के बराबर हैं. हमें लेट सपोज ये 60 है, लेट सपोज दिस इज 90 और ये हमें 45 दिया हुआ है. अब हमें पता करना है कि ये एंगल कितना है. तो हमें पता है ना कि 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री एंड प्लस दिस ये एंगल 2, इन तीनों का सम कितना है? 180 के बराबर है. तो यहाँ से हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा. तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे किसी भी एक एंगल को फाइंड आउट करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, द फर्स्ट पार्ट, इसमें आप देख रहे हो ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, हमें ये वाला एंगल निकालना है. तो वी नो दैट कि एंगल x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसको x से लिख लेते हैं, कितना है? 180 डिग्री. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी. और क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी? कि तीन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के. तो यहाँ पे हम 50 प्लस 60 इज 110, तो 110 हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे ना, 180 में से 110 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना हो जाएगा? अगर हम 180 डिग्री से इसको माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 70 डिग्री. तो इस तरह से हमें ये सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. नाउ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में ये हमें गिवन है 30 डिग्री. ये आपको दिख रहा है साइन से, पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री. अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके इस एक्स को निकाल लेंगे. तो हमें पता है कि एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों है ये? दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से. तो यहाँ पे एक्स प्लस 90 प्लस 30 इज 120. तो यहाँ से हम इस एंगल को निकाल सकते हैं ना, 180 डिग्री, 120 वहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, सॉरी 60 डिग्री. तो ये हमारा आ गया 60 डिग्री. नाउ थर्ड पार्ट, हमें ये x निकालना है. तो x प्लस 30 डिग्री प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तीनों एंगल का सम 180 के बराबर है एंड दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर भी हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे. तो x प्लस 30 प्लस 110 कितना होगा? इट विल बिकम 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 140 वहाँ जाएगा, x हमारा आ जाएगा 40 डिग्री. नाउ द फोर्थ पार्ट, फिफ्टी, दोनों ही एक्स एक्स हैं, तो एक्स प्लस 50, ये तीनों किसके बराबर होंगे? ये बराबर होंगे, तीनों एंगल्स 180 के बराबर. क्यों होंगे? दिस इज प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये x और x 2x हो गया, प्लस 50 डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 50 डिग्री उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 50 डिग्री। तो हम 180 में से 50 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो होगा ये 130 डिग्री। अब क्या होगा, ये हम इसको डिवाइड कर रहे, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वहाँ जाएगा 2, तो क्या करेगा इसको डिवाइड करेगा, तो 2 6 12, 1 गया 2 5 10, तो x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। नाउ द फिफ्थ पार्ट, तीनों ही x हैं, तो x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न वही एंगल सेम प्रॉपर्टी, तो 3x हो गई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें x चाहिए तो 3 वहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 6 18 0, तो x हमारे पास आया 60 डिग्री। नाउ द लास्ट पार्ट, सिक्स पार्ट, ये 90 2x प्लस x, तो x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से हम 90 को उधर कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री ये यहाँ पे डिवाइड करेगा तो x हमारे पास आ गया 30 डिग्री। इट मीन्स कि ये वाला 30 डिग्री है और ये 2x है, तो यानी कि 2 × 30, तो 2 × 30 इज 60, ये वाला 60 है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, और ये इतना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमारा 180 डिग्री होता है। अगर दो दिए हुए हैं हमें एंगल्स, तो हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं 180 में से उनके सम को सब्ट्रैक्ट करके। नाउ दिस इज, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। हमें इन ट्राइंगल्स में से जो एक्स और वाई हैं उन दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट में हम एक्स और वाई निकाल सकते हैं, हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ें यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं, तो ये बहुत इजी होते हैं, इनसे डरना नहीं है। 120 डिग्री ये एक्स है और ये वाई है और ये 50 डिग्री है, ठीक है। हमें इन एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो अभी हमने पढ़ा था ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होगा, वो होगा एक्स और 50 के, वो बराबर होगा 120 के, अभी हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है, x इज इक्वल टू 120, 50 वहाँ जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर जब x की वैल्यू आ जाएगी तो y हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके निकाल सकते हैं, या फिर हम लीनियर पेयर भी यूज़ कर सकते हैं। लीनियर पेयर मतलब ये y है ना, ये 120 है, हमें 120 पता है। लीनियर पेयर क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स, लेट सपोज दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से हम वाई निकाल सकते हैं क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री है। इस 180 डिग्री में से अगर मैं 120 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम किसी भी तरीके से इनको निकाल सकते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो 50 प्लस एक्स, 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने यूज़ की है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यानी कि 120 बराबर है 50 प्लस x के, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू 120 डिग्री, 50 वहाँ जाएगा तो माइनस 50 डिग्री, तो अगर x में से हम 120 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, तो हमारा ये x आ गया यहाँ पे 70 डिग्री।
ठीक है, अब हमें निकालना है वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हमें निकल गई है। या तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि 50 + 70 + y = 180 डिग्री, ये एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर लीनियर पेयर भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है कि y + 120 डिग्री = 180 डिग्री, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे जो आएगी 60 डिग्री। तो मैं कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। तो 70 डिग्री + 50 डिग्री + y = 180 डिग्री। रीज़न आपको ज़रूर मेंशन करना है, और ये हम किस लिए क्या कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके कर रहे हैं। सो दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 70 + 50 = 120 डिग्री + y = 180 डिग्री। तो y = 180 डिग्री, 120 वहाँ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आई गई, 60 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में भी हमें x और y निकालने हैं। तो आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पढ़ा है, जैसे ये डायग्राम हमारा सेकंड का ये है, ये 80 डिग्री है एंड दिस इज़ y। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, जो क्या होते हैं, अगर कोई भी टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये वाला हमें 80 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल भी 80 ही होगा। इट मीन्स y की वैल्यू तो हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से मिल गई, तो y हमारा है 180 डिग्री। तो सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे y = 80 डिग्री। रीज़न क्या देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये सब हमने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ा है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो y की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी 80 हो गया है, तो x निकाल लेंगे ना। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि x + 50 डिग्री + 80 डिग्री = कितना होगा इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम, 180 डिग्री। और ये हमें किस प्रॉपर्टी से पता चलता है, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x इसको हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 130 = 180 डिग्री। x = 130 वहाँ पे जाएगा, 180 - 130, तो ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो x हमारा आ गया 50 डिग्री। नाउ द थर्ड पार्ट, अब यहाँ पे हम पहले एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके या तो y निकाल लें, फिर हम लीनियर पेयर से x निकाल सकते हैं, या फिर हम x निकाल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपने पढ़ा है, जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको अप्लाई करना है। तो मैं x निकाल लेती हूँ पहले, x = 50 डिग्री + 60 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल है ना x, ये किसके बराबर होगा, दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो ये हमने यूज़ किया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x आ जाएगा आपका 50 + 60 = 110 डिग्री। तो ये तो आ गया आपका 110 डिग्री। अब आपको निकालना है y, तो आप लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये जो ये आपका 110 है ना, तो y आप निकाल सकते हो, 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो y आ जाएगा। या फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पीछे यूज़ की थी, अब हम लीनियर पेयर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे y + 110 =
180 डिग्री, ये लीनियर पेयर है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और ये होता है लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वाई हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में ये देखो, ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसे है ट्राइंगल्स का, ये वाला दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एक्स कितना हो जाएगा, अभी बताया था ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो जो एंगल्स बनता है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 60 है तो एक्स भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो ये तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारा 60 आ जाएगा। फिर हम वाई कैसे निकालेंगे, फिर हम वाई या तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों एक्स और 60 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये हमारा भी आ गया 60। अब या तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके वाई निकाल सकते हैं या फिर एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि जो 60 है वो कितना होगा, इन दोनों का सम होगा। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेती हूँ, तो वाई प्लस 30 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो y आ जाएगा ये आपका 90 ये वहां जाएगा 90, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 डिग्री, तो ये आ गया आपका 90। नाउ द फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे ये y है और ये दोनों x हैं, तो ये भी देखो ये 90 डिग्री अगर है तो y भी 90 डिग्री है ना, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अभी बताया ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो यहाँ से हमें y तो मिल गया, y कितना हो गया 90 डिग्री, क्यों हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको रीज़न ज़रूर मेंशन करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारे पास आ गया 90। अब हम x निकाल सकते हैं, या तो आप एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि 90 बराबर होगा x प्लस x के, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, तो x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमने यूज़ की है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस x इज 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 90 वहाँ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4 8, 2 5 10, तो x हमारे पास आ गया 45 डिग्री। इट मीन्स कि दोनों ही x 45 के हैं, ये भी 45 और दिस वन इज ऑल्सो 45। नाउ द लास्ट पार्ट, सिक्स पार्ट, सो द सिक्स पार्ट इज, अब ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ये जो y है ये भी वर्टिकली ऑपोजिट से x ही हो जाएगा ना, और ये x है तो ये वाला एंगल भी x ही होगा हमारा, और ये x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू x, y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है।
अभी तीनों ही x हो गए हैं, तो x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये 3x हो गए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो 3 6 जा 18, 0 तो x आ गया 60। इट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तीनों ही 60 डिग्री के हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको दोनों ही तरीके से अप्लाई करके खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। Thank you for watching the video.